देश भर में आज से फेज 2 के अंतर्गत आम जनता के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। कोविड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा जनता कोविड की वैक्सीन लगा सकती है। इसमें 60 वर्ष से अधिक और 45 से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं। डॉक्टर NS खत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीका लगाने के बाद अब आम जनता के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण कराने हेतु व्यक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र के रूप में आप अपने दस्तावेज जरूर साथ लाएं। वहीं टीका लगाए हुए व्यक्तियों का कहना है कि यह एक अच्छा काम है। हर व्यक्ति को टीका जरूर लगाना चाहिए, इससे जो महामारी फैली थी वह कम होने में काफ़ी असरदार रहेगी। बिल्कुल लगवाना चाहिए। मेरी भाभी वे भी आ रही हैं, वो लोग भी लगवाएंगी। उनका भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अभी से आने वाले हैं बस वो। मैं तो 71 ईयर से ऊपर हूँ, तो वो भी भाभी भी हमारी 71-72 हैं, तो बूढ़े लोगों के लिए तो अच्छा है कि सेफ्टी है। बेटा आज से, आज सुबह मॉर्निंग में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अपने आप को कराया है, तब से कोविन 2 यानी कि स्टेज 2 के वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है, जिसमें एल्डरली जो लोग 60 साल से ज़्यादा एज के हैं वो लोग, उनको सिर्फ अपना आईडी लाना है। आईडी ला के अपना एड्रेस और आईडी का प्रूफ दे के यहाँ स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दूसरा ग्रुप है 45 से 60 साल के वो लोग हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, यानी कि वो बीमार के बीमारी है उनको, जैसे कि 20 बीमारियों की लिस्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, उस 20 बीमारी का उनको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा डॉक्टर्स का कि आपको ये बीमारी से आप ग्रसित है, इसका आपका इलाज चल रहा है। और आईडी के साथ वो आएंगे, वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराएंगे और यहाँ पे वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। अभी तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने मॉर्निंग में हमारे यहाँ कोविन 1 यानी कि जो पहले वैक्सीनेशन चल रहा है पहला और सेकंड डोज के साथ साथ, अभी जो दूसरा आज से जो शुरू हुआ उसमें 17 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी तक, यानी 17 बेनिफिशरी आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोग हैं जिनका मेडिकल ग्राउंड है और 15 वो लोग हैं जो 60 अबव के हैं, उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन जो अभी मैंने आपको बताया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में, वही बिना रजिस्ट्रेशन वाले हैं। दूसरा एक पॉइंट और मिस हो गया था, वो ये है कि अब मैक्सिमम लोग ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगस्त से मुझे थोड़ा बचना पड़े भीड़ से, तो गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी किया है कि आप अपने मोबाइल से अपने आप को कोविन में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं, 45 और 60 साल के बीच में हैं, तो उससे क्या होगा, आपके पास जो मैसेज आएगा कोविन से, उस मैसेज को सिर्फ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर को दिखाना होगा, वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आप बचेंगे, आप डायरेक्ट वैक्सीन लगा के जा सकते हैं।